राजिम विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए प्रत्याशी कांग्रेस के अमितेश शुक्ला हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि ये जीत का श्रेय किसे देते हैं, जीत का, अपने जीत का सबसे सेकंड नंबर पे हैं आप, जो सबसे ज्यादा मत लाने वाले, उसका श्रेय किसको देते हैं? परसेंटेज में जो वोटर 1,10,000 थे उस हिसाब से तो फर्स्ट ही हूँ, क्योंकि जो ज्यादा वोट रहते तो और ज्यादा बढ़ती लीड, तो उस हिसाब तो फर्स्ट सेकंड एक ही बात है, फर्स्ट ही हूँ वैसे तो। मगर हाँ, मुख्य बात यह है कि जो श्रेय जहाँ तक देने का सवाल है, तो उसमें सबसे पहला श्रेय तो जो प्रेम इसने नेहरू और गांधी परिवार ने दिया, उन्हें टिकट दी, वो सबसे बड़ी बात है। अगर टिकट ही नहीं देती कांग्रेस की तो जीतता कैसे? तो एक तो वो श्रेय सबसे बड़ा है। दूसरा, प्रमुख रूप से जो सीनियर लोगों ने जिस तरह से सबने मिल के घोषणा पत्र बनाया था जबरदस्त, तो वो मुख्य कारण रहा। उसमें जो सभी किसान और हमारे मजदूर भाई, युवा लोग, महिलाएं, सबके बारे में बहुत जबरदस्त घोषणा पत्र, वो भी कारण। तो तीसरा एक कारण था कि सबसे जो एक ये भी कारण था कि राजिम की जनता से संबंध हमारे एक परिवार जैसे, और उन्हें ये लगने लगा कि परिवार के किसी व्यक्ति पे आक्रमण हो रहा है। तो जैसे जब परिवार के व्यक्ति पे आक्रमण होता है तो पूरा परिवार सामने आ जाता है, तो वो भावना आ गई थी राजिम की लोगों में, जनता में, कि हमारे एक परिवार के व्यक्ति पे जो है हमला बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो वो भावना से जो है जनता ही कार्यकर्ता हो गई थी, समझ लीजिए। हमारी जो कांग्रेस की जनता ही जो है राजिम में कांग्रेस कार्यकर्ता हो गई थी। आप कह रहे हैं जनता ही कार्यकर्ता हो गई थी। राजिम में ऐसी कौन कौन से समस्याएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप सबसे पहले प्रमुखता से उठाने वाले? देखिए, उसमें सबसे कई जगह जो है वो सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। 20-22 गांव में वहाँ बराज का एक मामला है, उसको भी करना है। बहुत सी सिंचाई की योजनाएँ जो है वो शाम बे की थी, मैंने उसमें NOC दी थी, उसको भी अधूरा पड़ा है, ठीक से काम नहीं हुए हैं। तो किसानों के लिए एक राजिम जहाँ पर प्रॉपर, जहाँ से सब प्रमुख लोग बीजेपी के रहते हैं, वहाँ पर भी किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं दी जा रही। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें और कारण है जिसके कारण ये चीज़ें हो रही थी। तो सिंचाई की एक तो सुविधाएं देना जरूरी है, हमारे युवा लोगों को भी जो पद जो खाली लाखों पड़े हुए हैं उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको देने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। और सबसे मुख्य बात जो है कि जो भी उनकी सबसे जो अंतिम व्यक्ति का जो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसके जो शासकीय योजना है उस तक पहुंचती नहीं है, कागज में रह जाती है, उसको उस तक पहुंचाना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रश्न अभी जो है कांग्रेस के पास वो है कि मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का इस बार प्रदेश को कौन मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाला है, आप क्या सोचते हैं? ये तो विधायक और हाईकमांड जानेंगे, मैं इसमें क्या बोलूँगा, वो तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, विधायक जो है किसके साथ ज़्यादा, विधायक क्या है, उनकी ओपिनियन क्या रहेगी, और फिर सब लोगों से चर्चा करके हाई कमांड जो है मुख्यमंत्री को तय करेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस की परंपरा परिपाटी रही। हमारे साथ थे राजिम के प्रत्याशी जिन्होंने अपना दूसरा सबसे ज़्यादा बहुमत लाने का रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है। कैमरामैन दीपक पटेल के साथ प्रिया पांडे, क्लिप्स.इन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।